शादी के बाद एक औरत के लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें माहिन की कोई गलती नहीं थी अंकल, सारी गलती मेरी अंकल। मैं मानता हूं मुझे इस तरह माहिन से अकेले बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बखुदा मेरा गलत मतलब नहीं था, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मैं माहिन से शादी करना चाहता हूँ और उससे उसकी मर्जी जानना चाहता हूँ। वाह मामू जान वाह, बेशर्मी की हद हो गई। शर्मिंदा होने के बजाय जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं। और फैजान तुम तो भाई हो उसके, तुम जानते हो तुम्हारी बहन के साथ अकेले में। बात को गलत मतलब देने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूं इसे अच्छी तरह से। मुझे इस पर और इसकी कई हर बात पर पूरा भरोसा है। गलत मोइज भी नहीं कह रहा, अगर तुम शादी करना चाहते थे फिर तुमने शरीफों की तरह अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजा? आपस में खुद से बात करने का रिवाज हमारे तुम्हारे घरानों में नहीं है। मैं जानता हूँ अंकल, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है तो फिर उसका खमियाजा भी भुगतो। आइंदा इस घर में मत आना, और तुम्हारी दोस्ती जो है वो फैजान के साथ है, उसको घर से बाहर तक ही रखो। अंकल बस जा सकते हो तुम। चाय पिला दो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना कोई गलत नीयत थी माहिन के लिए, और ना मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारी फैमिली की बहुत इज्जत करता हूँ। जानता हूँ याद है, बताने की जरूरत नहीं है। जब तुमने मुझे मुइस का माहिन को रिजेक्ट करने के बारे में बताया, हमदर्दी हो गई थी उससे। मुझे कुछ कुछ करना चाहता था उसके लिए मैं, बस किसी तरह वो अपनी सारी माजी की गलतियां परेशानियां भूल जाए। क्या तुम माहिन से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हो कि तुम्हें उससे हमदर्दी है? तो अपने दिल से ख्याल निकाल दो बिल्कुल कि मेरी बहन में कोई खामी या बुराई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करे जो उस पर तर्स खा के उसे अपनी जिंदगी में शामिल करे। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से माहिन को उससे उसकी अच्छाई की वजह से अपनाना चाहते हो तो मॉम को घर भेज देना। ऐसे क्या बैठे हो? चलो निकलना नहीं है। तुम्हें अपने घर का रास्ता याद नहीं था या पास पैसे नहीं थे जो यूं मुझे कॉल करके अर्जेंटली बुला लिया तुमने?
हादी तुम्हें पता है मैं ऑफिस की मीटिंग छोड़कर आया हूँ परेशानी में कि पता नहीं क्यों फौरन बुलाया है और तुम मुझे यहाँ बुलाकर अपने घर के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए अपने साथ लेकर जाना चाह रही हो प्लीज व्हेन विल यू स्टार्ट एक्टिंग मैच्योर ना तो ये शादी नहीं है और ना ही ये हालात सही कह रहे मेरा तो बस तुम्हारा अंदाज है दिन ब दिन बदलता जा रहा है तो उस गलती की वजह से जो मुझसे हुई भी नहीं हादिया प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाना मैं पक चुका हूँ इससे तुम्हें तो हर इंसान गलत लगता है सिवाय अपने तुम किस तरह बात इनायत क्या हुआ तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है I'm so sorry. वो इनायत की आवाज सुनी तो परेशानी में ध्यान ही नहीं रहा I'm sorry. हादिया प्लीज कम अज कम मेरे सामने कशप से इस तरह बात मत किया कर इनायत वो तुम्हें देख कर ही इस तरह करती है तुम्हें क्यों नहीं नजर आ रहा कौन सी तुम्हारी आंखों पर ऐसी प्यार की पट्टी बंधी हुई कि तुम्हें सच्चाई नजर ही नहीं आ रही हादिया जस्ट प्लीज स्टॉप इट मैं चुप हूं ना तो सिर्फ इसलिए कि इस घर का सुकून बर्बाद ना हो इसलिए मुझे खामोश ही रहना क्योंकि अगर मैं बोलने पे आ गया ना तो तुम्हें चुप लग जाएगी मेरा तो कुछ भी कहना ना कहना बेकार ही है पता नहीं उसको इतनी ढील क्यों देके रखी हुई है ढील दी हुई है ना तो तू लगाम खींच के रखना अरे अब जबानी कलामी बातों से कुछ नहीं होने वाला मैं तो कहती हूँ कि फिर कुछ करना पड़ेगा जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले ना तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं हाँ अम्मा क्या कह रही हो तुम मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सीधे सीधे अल्फाजों में बताओ ना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये जगह ऐसी बातें करने की नहीं है पहले तू चाय देकर आ फिर मेरे पास आइयो फिर बताती हूँ तुझे तुम तो पता नहीं क्या हर वक्त सस्पेंस ही क्रिएट करके रखती हो अब चाय लेकर जा इनायत इंतजार कर रहा होगा अम्मी अम्मी बात तो सुनो मेरी अरे कानों से सुन रही हूँ तू बोल तुम्हें पता है वो कश्यप और खाला ना दोबारा से कोई खिचड़ी पका रहे हैं और उन्होंने ना तुम्हें तो बिल्कुल साइड पे कर दिया है और एक ये खाला पता नहीं कब जान छोड़ेगी हमारी यही तो मैं सोच रही हूँ पहले की तो बात ही और थी अब तो बेटी भी आ दी है और हादिया को भी निकाल बाहर किया है अरे अब तो जान छोड़े जाए यहाँ से लेकिन नहीं जमी बैठी है तो तुम क्यों चुप हो कहो ना खाला को कि वो बोरिया बिस्तर बांधे और निकले हमारे घर से और बेटियों के घर भला कौन रहता है मौका देख के बात करूंगी अम्मी कहो तो खाला को भेजो तुम्हारे पास रहने दे जल्दी क्या है तो हथेली पे सरसों जमाने बैठ गई तू चुप करके बैठ मैं देखती हूँ ऐसे भी आज करना इनायत कश्यप का दीवाना हुआ वह और हमें जो कुछ भी करना होगा ना जरा सोच समझ के करना बैठी क्या है जरा पांव दबा मैं काम ही करवाते रहा करो पूरा दिन मुझसे हाँ कुछ मत करा कर घूमती रहा कर हर वक्त डांग की डांग इधर देखो मैं इधर देखो
इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही मुइस की बातों को अपने दिमाग पर सवाल करने की जरूरत है। फैजान, मैं मैंने कहा ना, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज रोना तो बंद करो यार, कसम से रोते हुए बहुत बुरी लगती हो तुम। अच्छा ये बताओ कि सलमान से शादी पे तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? एहसान, तुम्हें अब्बू के गुस्से का पता है ना, फिर भी तुम ये सब कह रहे हो? यार तुम अब्बू की फिक्र मत करो, तुम अपना बताओ मुझे। देखो अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मैं सलमान को मना कर देता हूँ कि वो अपनी फैमिली को नहीं लेकर आए, बात खत्म हो जाएगी यहीं। ओके, तो तुम वाकई चाहती हो कि सलमान यहाँ पर अपनी फैमिली को नहीं लेकर आए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा खुश रहो यार, अब तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा और फैसला तुम्हारे हक में करवा के ही दमूंगा मैं, ठीक है? हाँ खुश रहो यार, पता नहीं क्यों परेशान हो जाती हो। क्या जरूरत थी इस फड्डे में पड़ने की, हैं? मना किया था कि दूर रहो इन मामलात से। कजन है वो मेरी, इस तरह किसी गैर महरम के साथ खड़ी बात कर रही थी, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे। बर्दाश्त ना करने की वजह सिर्फ कजन ही है या कोई और सी बात है? क्या कह रही हैं आप, और क्या बात हो सकती है? यही कि उसका नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा रहा है एक अरसे तक। माँ मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। पता तो मुझे और भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी वजह से चुप रहती हूँ। क्या जानती हैं आप? रहने दो इस बात को, हाथ मुंह धो लो, खाना निकालती हूँ तुम्हारे लिए। क्या जानती हैं आप, बताए ना, अब बोले। मैं तुम्हें कह रही थी ना कि देर हो जाएगी। इधर तो मैं बात करती हूँ। हेलो जी, हम रास्ते में हैं, बस आ रहे हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं खाने को घर तक ड्रॉप करूंगी। ठीक है, और हाँ इस बार चाय नहीं बल्कि खाना खाऊंगी, कुछ अच्छा सा बना के रखिएगा। अच्छा ठीक है मेहर, जल्दी घर लेके आओ हानिया को, अम्मी परेशान हो रही है। बस इतनी सी बात थी, तुमने ना अपनी आदत बना ली टेंशन लेने की। डाउट तो मुझे पहले ही था, लेकिन पहले मैं कंफर्म करना चाहती थी। सो मिसेस हानिया, आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? कैसे गुड न्यूज? शादी के बाद एक औरत के लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आप एक्सपेक्ट कर रही हैं?
ऐसा नहीं हो सकता महक। मैं अपने घर वालों को और किस किस को इस जायज निकाह का यकीन दिलाऊंगी। 2 महीने हो गए, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं हुआ? मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूंगी। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कम से कम उस वक्त तक तो कुछ मत बताना जब तक तुम्हारी बात खुद अहसान से ना हो जाए, समझी? ऐसी बातें नहीं छुपती है महल। शादी होने वाली है मेरी, मैं निकाह के ऊपर निकाह कैसे कर सकती हूँ? इसी वजह से तुम लोगों को कहा था कि मैं निकाह नहीं करूँ। एक बात नहीं सुनी तुम लोगों ने मेरी, अपने घर वालों के सामने मेरी क्या औकात रह जाएगी? मैं लाऊंगी अयान को, बल्कि उसे आना पड़ेगा। ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं अयान को तुम्हारे घर वालों के सामने लाकर खड़ा करूंगी। रो मत, चुप, चलो चलो चल, रोना बंद करो। हेलो, आप आई नहीं? आप ही वो, मैं इनायत का वेट कर रही थी। असल में आजकल वर्कलोड ज्यादा है ना, तो शायद लेट हो जाए वो। माहिन आज तो नहीं, देखो फिर मैं कल चक्कर लगाती हूँ। उनको कवर करने की आदत नहीं गई आपकी अभी तक, ना सब कुछ हो जाने के बाद आप अब भी उनके लिए झूठ बोल रहे हैं। हिनायत के लिए झूठ बोलने की जैसे आदत सी हो गई है। तुम जानती हो मेरी आदत बदलने वाली नहीं है। इसलिए छोड़ो मुझे, तुम अपनी बताओ, मुईज है या चला गया? वो तो कब का चला गया। वैसे आप ही अच्छा ही हुआ कि मेरी उससे शादी नहीं हो रही। खुशी है मुझे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, लेकिन हानिया वो बेचारी तो फंस गई ना। माहिन कोई खैर खबर है यान की? आपको भी हानिया की तरह लगता है कि वो वापस आएगा? आप ही 2 महीने काफी होते हैं अपने घर वालों को मनाने के लिए, और अगर उसका प्यार और वादे इतने सच्चे होते ना, तो आज हानिया की शादी मुझ से ना होगी। सही कह रही है। हानिया है किधर? काफी दिन हो गए उसने मुझसे कोई बात नहीं की। लो आ गई मैडम, बड़ी लंबी उम्र है इनकी। हेलो, आप ही से बात करो। किसी से बात नहीं करनी मुझे। आप ही, मुझे लगता है इसका मूड ऑफ है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, सही है? हाँ ठीक है। को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं।